होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए जो भी आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा था, इसी में आपका लास्ट आपका पार्ट है, इसका पार्ट फोर है ब्लड ग्रुप, जिसमें मैं आपको बताऊंगी एंटीजन क्या होते हैं, एंटीबॉडी क्या होते हैं, आरएच फैक्टर क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। इसके साथ साथ इसमें ये भी आपका ऐड है कि किस ब्लड ग्रुप के लोगों को कौन सा ब्लड ग्रुप का रक्त उनको चढ़ाया जा सकता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा, इनसे संबंधित टॉपिक आपके एग्जाम में, चाहे कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, किसी भी एग्जाम में आओ, ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन इससे संबंधित पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं ब्लड में है, ब्लड ग्रुप्स है, इसमें आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ये चैप्टर में है। और इसमें सबसे पहले जानते हैं एंटीजन क्या है और एंटीबॉडी क्या है। देखिए, जो एंटीजन होते हैं, इसका एक और नाम है फॉरेन एंटीजन। क्या नाम है? फॉरेन एंटीजन होता है जो किससे बना होता है, लिपिड अमीनो एसिड और सुगर। लिपिड अमीनो एसिड और सुगर से मिलकर के ये बना होता है। और ये क्या करते हैं एंटीजन, ये हमारी बॉडी में डिजीज को आकर करने में, डिजीज को उत्पन्न करने के लिए या हमारे शरीर को रोगी बनाने के लिए एंटीजन जिम्मेदार होते हैं। और ये जैसे हमारे बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, ये इसके कुछ एंटीजन होते हैं जो हमारे शरीर में एंटीजन ये जाते हैं और हमें क्या करते हैं, रोगी बना देते हैं। तो हमारे क्या है वो एंटीजन। और एंटीजन को रोकने के लिए एंटीजन के विरोधी में, एंटी में एंटीबॉडी तैयार होता है जो एंटीजन को हमारे शरीर में हावी नहीं होने देता है, डिजीज नहीं होने देता है, इसके लिए एंटीबॉडी तैयार होती है। तो एंटीजन क्या, एक तरीके से फॉरेन एंटीजन के नाम से जाना जाता है, जो हमारे ब्लड में पाया जाता है ये। और ये हमारे कह सकते हैं हमारे शरीर को रोगी बनाने का के लिए जिम्मेदार होते हैं। और ये बैक्टीरिया और कुछ वायरस के रूप में ये पाए जाते हैं। अब आते हैं, और ये बनते किससे हैं, अमीनो एसिड सुगर और लिपिड से बनते हैं। अब आते हैं एंटीबॉडी, एंटीबॉडी को एमिनोग्लोबिन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये इम्यून पावर को हमारे बनाए रखने काम करते हैं। और इसमें जो प्रोटीन होती है क्या है, ग्लोबिन प्रोटीन होती है। और ये वाई शेप में पाए जाते हैं। किस शेप में? वाई शेप में ये पाए जाते हैं। और ये हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। क्या करते हैं ये हमारे शरीर को प्रोटेक्ट, मतलब रक्षा करने का काम करते हैं, यानी हमें रोगी नहीं होने देते हैं। कोई एंटीजन हमारे शरीर में जाता है तो उसके लिए उसके एंटी में एंटीबॉडी हमारे शरीर में बन जाती है, जो हमें रोगी से बचाने का कार्य करती है। तो ये हमारे एंटीजन होते हैं और एंटीबॉडी होती है। अब आते हैं ब्लड ग्रुप। अब देखिए, ये जो यहाँ पर हम पहले देखते हैं एंटीजन प्रेजेंट और ब्लड ग्रुप। देखिए, ये हमारे ब्लड ग्रुप मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? एंटीजन ए, ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी और ओ। ये मुख्य रूप से चार प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। जो ये चार प्रकार के हमारे क्या पाए जाते हैं, ये ब्लड ग्रुप होते हैं ए, बी, ए बी और ओ। ये मुख्य रूप से ब्लड पाए जाते हैं चार प्रकार के। और इसमें जो एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, यानी ब्लड ग्रुप ए होगा तो ए एंटीजन प्रेजेंट होगा, और ब्लड ग्रुप बी होगा तो बी एंटीजन प्रेजेंट है, और ब्लड ग्रुप ए भी है तो ए और बी उसमें प्रेजेंट होंगे एंटीजन। और ब्लड ग्रुप जो ओ होता है, इसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये आप याद रखना कि एंटीजन जो होते हैं कोई भी प्रेजेंट नहीं होते हैं किसमें, ब्लड ग्रुप ओ में। और जो रेसिपिएंट, यानी जो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, ये ब्लड ग्रुप ए बी होते हैं। ए बी जो होता है सबके ग्रुप को ले सकता है, जितने ब्लड ग्रुप होते हैं सबके ब्लड ग्रुप के ब्लड को ले सकता है। और जो ब्लड ग्रुप ओ होता है वो सभी को, यानी ए बी, ए बी और ओ को, सभी को अपना ब्लड दे सकता है। यानी इसीलिए बोलते हैं जो ब्लड ओ ग्रुप ओ होता है वो डोनर होता है, यूनिवर्सल डोनर। और ब्लड ग्रुप ए बी जो होता है ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है, यानी ग्रहण करने वाला होता है। तो ये आप याद रखना कि ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन नहीं पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ पर ब्लड ग्रुप, आप देखिए यहाँ पर ब्लड ग्रुप है और कैन बी डोनेट कैन रिसीव, यानी ये जो ब्लड ग्रुप ये ए होता है ये किसको किसको दे सकता है, बहुत ही क्वेश्चन आता है। तो ब्लड ग्रुप जो ए होता है वो ए को दे सकता है और ए और बी को दे सकता है, यानी ए को और ए और बी को दे सकता है।
और कैन रिसीव और किसका ले सकता है ये ब्लड, जिसका ब्लड ग्रुप ए हो किसका किसका ले सकता है, ए का और ओ का। ओ तो क्यों, ओ सबका ले, डोनर है क्योंकि सबको वो दे सकता है, इसीलिए ए और ओ दोनों को क्या करता है वो ले सकता है, और देने के लिए ए और ए बी को क्या दे सकता है, डोनेट कर सकता है। दूसरा है ब्लड ग्रुप बी, बी क्या है, बी बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, ब्लड ग्रुप बी बी को दे सकता है और ए बी, ये याद रखना कि जो यहाँ पर ब्लड ग्रुप होगा वो उसको दे सकता है, और उसके साथ जो इसमें है जैसे ए है बी ए बी है साथ में, यानी इसमें ए है तो ए बी ब्लड ग्रुप को दे सकता है, उसी तरह बी है बी को दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है। और यहाँ पर देखिए किसका ले सकता है, वो बी का ले सकता है केवल, कि ए बी का नहीं ले सकता है केवल, किसका ले सकता है, बी का ले सकता है और ओ का ले सकता है। अब आता हमारा ए बी, और जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है केवल ए बी को ही दे सकता है, ब्लड ग्रुप ए बी केवल ए और बी को दे सकता है, और लेने के लिए सबका और सभी ग्रुप के लोगों का ले सकता है, लेकिन देने के लिए केवल ए और बी को ही दे सकता है, और लेने के लिए अपना सारे ग्रुप से ए बी और ओ सबसे वो ले सकता है। अब आता है हमारा ओ, ओ जो होता है ऑल ग्रुप्स में होता है, यानी सभी ग्रुप में वो डोनेट कर सकता है, यानी मैंने भी आपको बताया ये डोनर होता है ये सबको दे सकता है, यानी ब्लड ग्रुप ओ जो होता है सबको दे सकता है और केवल ले सकता है केवल ओ का, यानी जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा वही जो है ले वही उसको दे सकता है, और मतलब कि वो उसी का ही ब्लड ले सकता है और किसी का नहीं, कह सकते हैं जो ब्लड ग्रुप ओ होता है वो ब्लड ग्रुप ओ का ही अपने खून चढ़ सकता है और अन्य किसी ब्लड ग्रुप को उस पर नहीं चढ़ सकता है, लेकिन देने के लिए वो सारे ब्लड ग्रुप को दे सकता है। ये हमारे ब्लड ग्रुप है, इनको डोनेट कर सकते हैं और इनको रिसीव ये प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आप याद रखना कि ए है, ए और ए बी को दे सकते हैं और लेने के लिए केवल ए का ले सकते हैं और ओ का, और जो बी होते हैं ये बी को और ए बी को दे सकते हैं और लेने के लिए बी और ओ होते हैं उनसे ले सकते हैं, ए बी केवल ए बी को ही दे सकता है और रिसीव करने के लिए सभी से ले सकता है, लेकिन जो ओ होता है सबको दे सकता है लेकिन लेने के लिए केवल ओ से ही ले सकता है। अब आते हैं आर एच फैक्टर, यानी हमारे जो ब्लड में होते हैं, और भी एक एंटीजन की खोज की गई जिसका नाम था आर एच फैक्टर, जो रिसेस बंदर में ये पाए गए, रिसेस नाम के बंदर में ये पाया गया आर एच फैक्टर, और इसमें क्या पाया, इसमें क्या उन्होंने बताया आर एच फैक्टर में, और इसमें ये बताया गया कि जो आरबीसी होता है यानी रेड ब्लड कॉर्पल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, रक्त कणिकाएं होती हैं, उसमें आर एच फैक्टर पाए जाते हैं, और जो आर एच जिसमें पाए जाते हैं उनको आर एच पॉजिटिव कहते हैं, और जिसमें नहीं पाए जाते हैं उसमें आर एच निगेटिव पाए जाते हैं, मोस्टली रूप क्या होते हैं वो आर एच पॉजिटिव होते हैं, और बहुत ही कम ही लोग होते हैं जो आर एच निगेटिव होते हैं, तो जिसमें पाए जाते हैं उनको पॉजिटिव कहते हैं, जिसमें नहीं पाए जाते उनको आर एच निगेटिव कहते हैं। अब देखिए ये आर एच फैक्टर क्या होते हैं, एंटीजन होते हैं, क्या होते हैं ये, एक एंटीजन होते हैं, ये आपको एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर इसको बहुत ध्यान से आप सुनिएगा कि जो ये एंटीजन यानी आर एच फैक्टर क्या, एक एंटीजन है जो रिसेस बंदर में इसकी खोज की गई, और ये आर एच जिसमें पाया जाता है उसे आर एच पॉजिटिव, जिसमें नहीं पाया जाता उसे आर एच निगेटिव कहते हैं, और जब रक्त आधारण जब रक्त देने की बात होती है तो उसमें क्या होता है आर एच पॉजिटिव, जब आर एच पॉजिटिव और आर एच पॉजिटिव मैच होते हैं तो कोई भी गड़बड़ी नहीं होती है, यानी दोनों आर एच पॉजिटिव आर एच पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, लेकिन जब आर एच पॉजिटिव जो है आर एच निगेटिव को ब्लड देता है तो उस समय पहली बार देता है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जब दूसरी बार उसके आर एच पॉजिटिव का आर एच निगेटिव पर ब्लड चढ़ता है तो क्या होता है उसके ब्लड क्या होते हैं अब एगाकुलेश हो जाते हैं, कह सकते हैं उसको अबलेशन हो जाते हैं, जिससे वो क्या होते हैं जम जाते हैं और व्यक्ति की डेथ हो जाती है। तो ये कंडीशन होती है कि पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव चढ़ेगा, लेकिन आर एच पॉजिटिव हो और निगेटिव से वो होता है उस पर आधान कराया जाता है तो क्या होता है उसका निगेटिव प्रभाव पड़ता है, और दूसरे पहली बार तो असर कम पड़ता है लेकिन दूसरी बार वो ब्लड क्या होता है जम जाता है, जिससे उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है। अब इसमें एक और यहाँ पर हमने पॉइंट लिया है, जब लेडी प्रेग्नेंट होती है, क्या होती है जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पिता का यानी जो फादर होते हैं उनका आर एच पॉजिटिव है, आर एच फैक्टर जो होता है पॉजिटिव होता है, लेकिन जो मदर होती है उसका जो आर एच होता है वो निगेटिव होता है, तो पहली बार ये प्रेग्नेंट होती है तो उसका प्रभाव उसके बच्चे पर
कम असर पड़ता है कह सकते हैं, उसका एक पहले बच्चे पर उसका असर कोई नहीं पड़ता है। लेकिन जब वो दूसरी बार प्रेग्नेंट होती है तो आरएस पॉजिटिव यानी पिता होता है और माता आरएस नेगेटिव होती है, तो दूसरे बच्चे की या तो पेट में यानी गर्भ में उसकी डेथ हो जाती है या पैदा होने के बाद जो है उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वो जो ब्लड होता है वो कहा जाता है कोगुलेट हो जाते हैं यानी जम जाते हैं, इसीलिए उसकी क्या होती है मृत्यु हो जाती है। तो कह सकते हैं कि जो आरएस पॉजिटिव आरएस नेगेटिव होते हैं तो इसका दूसरे पे यहाँ पर हमने बताया भी इसका अधिक प्रभाव पड़ता है, जिससे इलास्टिक जो है इलास्टोब्लास्टिस जो होता है रोग हो जाता है, जिसमें हम कहते हैं खून जम जाना जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और जो है यहाँ पर बताया ये चीज यहाँ पर बताया कि यदि प्रेग्नेंट लेडी होती है तो पहले बच्चे पर कम असर पड़ता है, लेकिन दूसरे बच्चे पर इसका व्यक्ति बच्चा जो होता है उसका घर में ही मृत्यु हो जाती है या पैदा होने के बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो ये पॉइंट यहाँ पर हमने आपको शेयर किया, आपको बताया एंटीजन क्या होते हैं, एंटीबॉडी क्या होती है, आरएस फैक्टर क्या होते हैं। तो आरएस फैक्टर एक एंटीजन होता है जो रिसेस बंधन से पहले पाया गया और ये आरबीसी में पाए जाते हैं, जिसमें पाए जाते हैं उनको आरएस पॉजिटिव कहते हैं, इसमें नहीं पाए तो उन्हें आरएस नेगेटिव कहते हैं। और ये पॉजिटिव नेगेटिव का कंबाइन किया जाता है, उनको आधान रक्त चढ़ाया जाता है, तो पहली बार चढ़ाने पर कम असर पड़ता है, लेकिन दूसरी बार चढ़ाने पर जो उसका अधिक प्रभाव पड़ता है वो क्या होते हैं एलास्टोब्लास्टिस नामक रोग हो जाता है, जिससे वो ब्लड जम जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। उसी तरह से जब प्रेग्नेंट लेडी होती है और वो निगेटिव होती है आरएस निगेटिव है और पिता जो आरएस पॉजिटिव होता है तो पहले पर कम असर पड़ता है, दूसरे बच्चे पर बच्चे की तुरंत ही मृत्यु हो जाती है या पैदा होने के बाद मृत्यु होती है। तो ये टॉपिक हमने कवर किया और फिर नेक्स्ट में वीडियो आपके लिए लेकर के आऊंगी। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। लाइक और शेयर करना ना भूलें।